गाइस, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग नहावा के चाय पी लिए है और अभी मम्मी सब अंदर, हम लोग ने जो एनिवर्सरी की डेकोरेशन की थी वो निकाल रही है क्योंकि अभी टाइम हो गया, तो फिर उसको निकाल रहे हैं। और ये मुझे तब से बोल रहे थे कि तुमने, चलो ये करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और मैं तब से बुला रही हूँ तो आ ही नहीं रहा है, अंदर बैठा है। तो बस, और अब ठंडी नहीं है, अब बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर है, अच्छा है, फ्रेश है, ठंडी वंडी नहीं है ज़्यादा। तो बस अब मैं बालकनी में बैठी हूँ और चिल कर रही हूँ। फिर देखते क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। आज सोचा है बाहर जाने का, प्लान तो किया है, अब देखते हैं बाहर जाने को, अगर पॉसिबल हो तो जाने वाले हैं, आई होप जाए। और आपको कुछ नई जगह भी दिखाए लखनऊ की, तो लेट्स सी। अब हम इसको निकाल, इसमें से हवा ही नहीं निकल रही थी, हम लोग ने बहुत ट्राई किया, तो इसके लिए अब हम लोग इसको रख दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, इससे पेंट विंट नहीं उखड़ता है ये टिप से। तो आज बन रही है बीन्स की भाजी। एक्चुअली आज सब हल्का फुल्का ही बनेगा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज दाल चावल भाजी रोटी सादा, और बीन्स की, ये आलू बीन्स की नॉर्मल सब्जी है सादी, हल्दी नमक मिर्ची और तड़के के साथ। आज खाना एकदम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ये चावल, इसमें दाल, ये दाल ना फास्ट थी ना तो इसलिए पानी बाहर आ गया, और ये सब्जी, और रोटी जब खाने बैठेंगे तो रोटी बना देंगे। तो गाइस, अब हो गए शाम को, हमने चाय वाय पी ली, और आज हम बहुत अलग डिश बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बताओ, आज हमने पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आज हमने कुछ किया ही नहीं, हम सोए दिन भर। थोड़ा बहुत मेरा काम था तो वो कर रहा था मैं, बाकी हम लोग बीच में प्लान बनाया था बाहर जाने का, पर थोड़ा लेट हो गया तो इसीलिए हम गए नहीं। फिर हमने सोचा कि हम क्या करें, तो हमने आज एक डिश ढूंढी, मैक्सिकन टैकोस, जिसको आप कुसेडला, किसाडला, किसाडला कुछ और है, एकदम देसी है, नाम बड़ा फिरंगी है, बहुत देसी है। अभी क्यों बता रहे हैं? पराठा नहीं 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 अभी नहीं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस, आप देख सकते हैं ऐसे ये मेरा मुंह हमेशा बंद करती है, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, मैं बता नहीं रहा था आपको। लेकिन मैं ऐसे, आपने वो बहुत सारे मीम्स देखे होंगे ना, जहाँ पे लड़की ऐसे बंदूक तान के कहती है, बोलो तुम मेरे से प्यार करते हो, तो ये काइंड ऑफ ये सब एडिट होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आपको नहीं होगा, हम लोग दिखाते हैं आपको। अब हम लोग शिमला मिर्च को कट कर रहे हैं, एकदम छोटा छोटा बारीक एकदम। हम वो स्वीट कॉर्न लाए थे, वो हमने पहले उबाल लिया क्योंकि स्वीट कॉर्न की इसमें बहुत जरूरत होती है। तो हमारी शिमला मिर्च देखिए कट चुकी है, और अब हम गाजर काटने जा रहे हैं। तो गाजर हम ऐसे ही श्रेड कर देंगे मशीन में, बट हाँ वो ऊपर का छिलका छिल दें। और उधर मम्मी आलू उबालना है हमें, तो मम्मी आलू को छिल दे रही हूँ, उससे थोड़ा आलू जल्दी उबल जाता है। तो सारे आलू छिल के अभी हम उसको कुकर में 10 मिनट के लिए लगा देंगे, तो आलू भी उबल जाएगा। ये देखिए, हमको जितनी भी वेजेस डालनी थी हमने सब कट करके रख दिया है, और ये पनीर को भी हमने कद्दूकस कर दिया है। तो अब हम लोग तैयार कर रहे हैं आटा। इसमें आप मैदा मिक्स भी कर सकते हो या पूरे मैदे के बना सकते हो, बट बेसिकली टॉर्टिला होता है मैक्सिकन, जो मैदा मैदा मैदे का और गेहूं का मिक्स बनता है, गेहूं का भी बनता है और सिर्फ मैदे का भी बनता है, लेकिन हम गेहूं तो का ही बनाएंगे, सिर्फ गेहूं का बनाएंगे। तो उसमें करना कुछ नहीं है, मतलब आटा ले लीजिए और उसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपके पास जो हो आप वो यूज कर सकते हैं, 1 कप आधा चम्मच जितना भी, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और आप इसमें 2 चम्मच ऑयल, और उसके बाद इसको सॉफ्ट, मतलब वो करना है एकदम सॉफ्ट डो बना के आपको रेडी करना है। एक्चुअली इसमें ना सॉफ्ट बन जाता है इस प्रोसेसर में, तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और जब हमें लगेगा कि परफेक्ट डो तैयार हो गया तब पानी बंद कर देंगे डालना। अब देखो, अब ये सारी सब्जियों को हम फ्राई करेंगे, तो ये देखो, ये अब हम घी डाल देंगे, और घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर हम अपनी सारी वेजेस डालेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्याज से, इसमें कोई मसाला नहीं डलता, जो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, मसाला वगैरह एकदम हेल्दी है,
ये देखो ये डालेंगे प्याज। प्याज को 2-3 मिनट गोल्डन थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक भून लेंगे। अब हमने ऐड कर दिया है गाजर और इसे भी भून लेंगे। फिर डाल लेंगे शिमला मिर्च। तो ये देखो अब हमने कॉर्न डाल के भून लिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम जब उसको आगे भी स्टेप में हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं। और अभी हमारा ये पनीर और ये आलू बाकी है, ये भी ऐड करना है। देखिए कैसे सब पूरा बाइंडिंग के लिए इकट्ठा हो गया। इसे जब हम रोटी में डालेंगे ना तो कौन सी सब्जियां गिरेंगी नहीं। अब ऐड करेंगे आलू, ये बॉइल्ड है और इसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। पर अपनी गैस बंद कर दी। हमने गैस इसलिए बंद कर दी क्योंकि ये सब कुछ कुक है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब डाल रहे हैं पनीर, मतलब इसमें सारी हमने हेल्दी चीज़ें ही डाली है, कोई भी मसाला नहीं डाला है। सब सिर्फ नमक डाला नहीं। हाँ बस। अब इसमें हमने ऐड किया है चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो एकदम छोटा आटा आपको लेना है और एकदम पतला उसको बेल लेना है और इसको 20 सेकंड के लिए दोनों तरफ से सेक बस खाली सेक लेना। ज्यादा नहीं कुक करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखो हल्का हल्का ये पकने लगा है, बस ऐसा ही हमें दोनों साइड करना है। बस अब ये हम इतना ही पका के से रख लेंगे और हमने इसे भी निकाल के यहाँ पे रख लिया। और अब सेम ये तीसरा भी पक गया है। यहाँ बड़े दिन के बाद किचन के तरफ रुख करते हुए पापा आ रहे देखने कि हम नक्की क्या कर रहे हैं। ये देखो जो हमने थोड़ी सी आधी कच्ची वाली रोटी बनाई थी जिसको पूरा नहीं पकाया था, अब उस पे लगा रहे हैं हम सेजवान चटनी और थोड़ा सा लगाएंगे पिज्जा सॉस और थोड़ा सा पिज्जा सॉस। और हम यहाँ पानी भर रहे हैं ग्लास में। इतना जल्दी भर के फायदा नहीं है, टाइम लगेगा। और पापा भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि पापा को कुछ करते रहना पसंद है। अब देखो ये भरा, ऊपर से डाला चीज और अब इसको कर देंगे फोल्ड। अब ऐसा करके हम सब रख लेंगे और फिर तवे पे सेकना शुरू करेंगे। अब ये लिया दूसरा रोटी, उसके साथ भी सेम प्रोसेस। आप चाहिए तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स अप टू यू कि आपके कौन सा सॉस खाते हो। सिर्फ पिज्जा सॉस खाना पसंद करते हो तो वही लगा लो, मतलब मेयोनीज और केचप हाँ, भी लगा सकते हो, केचप भी लगा सकते हो, मेयोनीज भी लगा सकते हो, बट हमें कैसे सेजवान और पिज्जा सॉस पसंद है और वो चीज के साथ काफी अच्छा फ्लेवर देता है तो इसीलिए हम वो लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से भर के हमने इतना सारा रख लिया है और अब दूसरी तरफ हमने पैन को गर्म होने को रख दिया और अब इसे सेकना शुरू करेंगे लो से मीडियम हीट। और इस तरीके से जब तवा थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इस पे रखेंगे एक एक करके और जब ये एक साइड से हो जाएगा थोड़ा क्रिस्पी फिर हम पलट के घी लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी खाते हैं तो नीक नीक खाते हो। अम्मा नहीं, मम्मी कह रही है तो सब जने खाओ भैया हम मना खाए। मन भर जाएगा मेरा। ये देखो ऐसे हमने घी लगा दिया और अब उसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे और अब बस हम इसे डायरेक्ट प्लेट में लगाएंगे। बस ये दोनों तरफ से हल्का गोल्डन रेड हो जाए और हमारा डिनर रेडी है। ये देखो पहले हमने पापा को दिया टेस्ट करने को। बहुत गर्म है, हमने ना तुरंत उतार के जान रुक जाओ। ये बंदे ने खा, ये पापा ना तोड़ के
कैसा बना है? पिज्जा की तरह है क्या? पिज्जा के जैसा लग रहा है। हम्म, जान लियो वो बेस का पिज्जा रहा था। रिव्यू ढंग का दे ना तेरा, भी मैं शूट कर रही हूँ। कर रहा है बोल अभी वापस। नॉर्मल पिज्जा जो बनता है मैदे का बनता है, हमने भी बनाया है रोटी पे, तो उससे हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। उस पिज्जा से ये पिज्जा अच्छा है। हाँ, टेस्टी है, बहुत टेस्टी, नॉट टेस्टी। तो चलो, पापा को बहुत अच्छा लगा, ये भी खा रहे, अब मैं भी खाऊंगी। मम्मी ने अपनी सादा खाना खा लिया है और अब हम लोग डिनर स्टार्ट करके फिनिश करें। तो गाइस, फाइनली टाको टॉर्टिला जो भी आप बोलिए बनाया, बहुत अच्छा बना था। आपका फीडबैक आपने बताया नहीं था उसके। मुझे भी मस्त लगा, अच्छा था, बहुत तीखा नहीं था, तीखा नहीं था, तीखा कहाँ था, उसमें कुछ मसाले नहीं थे, तो ऐसा भी नहीं था कि बाद में आपको एसिडिटी या प्रॉब्लम होगा। मस्त था, ऐसा लग रहा था बाहर से एकदम ऐसा पराठा टाइप और अंदर से एकदम पिज्जा। तो ओवरऑल अच्छा अच्छा बनाया हमने। पार्टी वार्टी होगी ना, जैसे बर्थडे पार्टी हो जाए, बार के लिए हमारा हम बनाएंगे मेन्यू आइटम बन गया। और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, आराम से कुछ हो ज्यादा जाता है नहीं, 5-10 मिनट की सब्जी पका लो और उसके बाद रोटी में बना के भर के खा लो, बस ज्यादा नहीं है। और बिल्कुल तेल बहुत कम, घी बहुत कम, तो सब कुछ बहुत कम लगता है। अगर आप डाइटिंग पे हो ना तो बस चीज मत डालो, हाँ सिर्फ चीज मत डालिए, बाकी सब परफेक्ट खा सकते हो। तो ओवरऑल अच्छा था। तो हमारा खाना वाना हो गया, हम अपने रूम में आ गए और इनकी हालत तो आप देख के लग ही रहा होगा कि बिल्कुल थक चुकी हैं, नींद आ रही है। एक्चुअली चीज और वो सब खा के पेट एकदम भर जाता है। और खास बात बताएं, चीज खाने के वो कसा डाला खाने के बाद हमारे घर में सबने चावल दाल खाया, सबने चावल दाल खाया। एक्चुअली हम देसी है ना, अंदर से देसी, तो हमें ये सब खाने के बाद दाल चावल दाल खाए। पापा का मेरे कहना होता है कि अनाज कुछ भी खा लो लेकिन अन्न जब तक पेट में ना जाए तब तक पेट नहीं भरता है। तो अन्न मतलब उनका प्रॉपर दाल चावल होता है, रोटी सब्जी। ये भले ये रोटी सब्जी मिक्स था पर ये रोटी सब्जी में नहीं आता, तो इसीलिए फिर सबने चावल दाल, इसने चावल भरा मिर्चा वो खाया। और अब हम सब खावा के सोने को तैयार हैं अपना तारक मेहता और शिव शक्ति देखने के बाद एज यूजुअल। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हमारा व्लॉग यहीं खत्म, मिलते हैं कल, मिलते हैं।